क्षेत्र के अनेकों गांवों में राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह और बुआ सिंह ने रोड शो चलाया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता मुझे चुनती है तो सभी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ देंगे। अपुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ बुआ सिंह ने कई गांवों में रोड शो कर जनसंपर्क अभियान करते हुए कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो गोविंदपुर मार्ग का निर्माण 30 दिन के अंदर होगा। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुआ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशुतोष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई छाप जिंदाबाद, दोस्त भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुआ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग का नेता कैसा हो, बुआ भैया जैसा हो, हम लोग का नेता कैसा। शाहपुर विधानसभा के रोड शो कर रहे हैं, कहीं कहीं जनसंपर्क भी हो रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता से आपको? अच्छा मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या घोषणा भी कुछ किए यहाँ पे आकर गोविंदपुर में? जी घोषणा किए हैं, घोषणा किए हैं। यहाँ ठाकुरबाड़ी है, बजरंग बली का मंदिर है, गोविंदपुर में अच्छा खासा सपोर्टर है, एक तरफा मेरे सपोर्टर है। यहाँ मैं मंदिर पर यही घोषणा किया हूँ कि हे ठाकुर जी, हे बजरंग बली, विजय होते ही मैं विजय सुनते ही वापिस आऊँगा और हाथी घोड़ा ढोल नगाड़ा के साथ आपका आरती उतारते हुए स्वागत करते हुए उसी दिन आपके पास 24 घंटा के कीर्तन बैठाऊँगा। इस गांव में अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया, काफी दिनों से वंचित है इस लोग। जो नहीं जुड़ा गया उस मार्ग को जोड़ने के लिए हम वादा किए हैं कि विजय होते ही 30 दिन के अंदर, 31 दिन नहीं होने देंगे, 29वां दिन इस रोड में ढलाई हम लगवा देंगे, करवा देंगे इस रोड का काम पूरा, ये हम वादा किए हैं। और ठाकुर जी के बजरंग बली के सामने हम कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, वादा करते हैं कि 31 दिन नहीं होने देंगे, 30 दिन के अंदर में इसे इस पर गाड़ी दौड़ा देंगे हम। शाहपुर के दियारा क्षेत्र से अभी आपने घूम रहे हैं, आर्सेनिक से काफी लोग त्रस्त है, आर्सेनिक के लिए क्या सोच होगी आपकी? हम लोग बहुत कुछ सोच रखे हैं, शाहपुर विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं, लेकिन आर्सेनिक का भी व्यवस्था किया गया है। वैसे सरकार से नल जल का ये जो व्यवस्था किया गया है नीतीश कुमार द्वारा, ये तो सक्षम और शिक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार आएगी, हम लोग सत्ता में जिस दिन आएंगे अपने विधानसभा को स्वच्छ और सुंदर पानी जरूर पिलाएंगे। राष्ट्रीय जेजेजी पार्टी बिहार में कितनी सीटों से लड़ाई लड़ रही है? पूरे हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं और इसमें ईश्वर का देन है, चुनाव बाद ही सब पता चलेगा।